सिद्धार्थनगर में केंद्र प्रदेश सरकार भले ही गरीबों को रोजगार देने के लिए चाहे लाख प्रयास कर ले, लेकिन जिम्मेदार उस पर पलीता लगाते ही है। मामला सिद्धार्थनगर जनपद के विकास खंड खेसरहा का है, जहां ग्राम पंचायत में हो रहे मनरेगा कार्य में मजदूर की जगह मशीन से काम कराया जा रहा है। खेसरहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कर्मा बाबू में मनरेगा कार्य मजदूर की जगह रात में जेसीबी लगाकर काम चल रहा है, जिसमें ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया कि मनरेगा कार्य मजदूर की जगह मशीन से कराया जा रहा है। इस विषय में गांव के शैलेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे गांव में ग्राम प्रधान द्वारा रात में जेसीबी लगाकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय कर्मा में जय नारायण सिंह के घर तक कार्य कराया जा रहा है, जिसमें मनरेगा की धज्जी उड़ाई गई। हमारे द्वारा विकास अधिकारी खंड विकास अधिकारी को रात में अवगत कराया गया, जिसमें खंड विकास अधिकारी ने कहा कि अगर मशीन से काम हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, मशीन से काम तेजी से हो गया। इससे साफ पता चलता है कि मामला जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से है। और इस मामले पर मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जाँच कराने की तो हर अधिकारी बात करते हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं ना कहीं होती नहीं दिखती। अब देखना है कि इस परियोजना पर अधिकारी क्या करते हैं। जब खंड विकास अधिकारी मशीन से काम तेजी से कराने की बात कर रहे हैं तो कार्रवाई होगी या नहीं। क्या नाम है आपका और किस गांव के रहने वाले हैं, और आपके यहाँ जो जेसीबी से काम हुआ है क्या है पूरा मामला? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम कर्मा जो कि विकास खंड खेसरहा के अंतर्गत आता है। कल रात में लगभग 8:30 बजे जेसीबी द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय कर्मा से श्री जय नारायण सिंह के घर तक रास्ते पर जेसीबी द्वारा निर्माण कराकर मनरेगा योजना की धज्जियां उड़ाई गईं, जिसकी सूचना हमारे द्वारा सीडीओ महोदय सिद्धार्थनगर तथा वीडियो खेसरहा को व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया गया है। गरीबों के हक पे डाका डाला जा रहा है तथा आपको अवगत कराएंगे कि उक्त प्रकरण में बीडीओ साहब से भी बात हुई थी रात में। उन्होंने भी कहा कि अगर वो मशीन द्वारा कार्य कराया जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, और कार्य भी जल्दी हो जाएगा। तो उनके द्वारा भी ऐसा बयान दिया जाना घोर निंदनीय है। मैं जेसीबी द्वारा कार्य कराया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप देख ही रहे हैं, मीडिया स्वयं देख रहा है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनरेगा योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इससे लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, जो गरीब मजदूर हैं? सारे मजदूरों को नुकसान हो रहा है, सारे मजदूरों को नुकसान हो रहा है। रात के अंधेरे में, रात में लगभग 8 बजे के लगभग जेसीबी लगा के प्रधान द्वारा कार्य कराया जा रहा था। मैं पहले तो आपसे बता देना चाहता हूँ, अखंड सिंह नाम है, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, यहीं से जनता ने चुन के भेजा हुआ है, जनता ने चुन के भेजा है। रात में जब जेसीबी लगा के प्रधान द्वारा काम शुरू किया गया तो मैंने खंड विकास अधिकारी महोदय को टेलीफोन द्वारा सूचित किया। उनका जवाब क्या था कि इस मशीन से काम हो रहा है, काम जल्दी हो जाएगा, आपको क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा, जब सर आपको दिक्कत नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब प्रधान अपने मन से ही दबंगई नहीं कर रहा, वीडियो साहब उसे दबंगई करवा रहे हैं। उसके बाद मैंने सीडीओ साहब को कॉल किया, सीडीओ साहब का कॉल रिसीव नहीं हुआ। माननीय जिलाधिकारी महोदय को मैंने कॉल किया, जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई, उन्हें सारे मैटर से अवगत कराया गया व्हाट्सएप के मदद से। रात की वीडियो ही जिलाधिकारी महोदय को सेंड किया गया। जिला अधिकारी महोदय ने पूर्ति आश्वस्त किया कि ठीक है, जो भी वहाँ हो रहा है उसके खिलाफ। सर, खेसरहा विकास खंड के कर्मा बाबू एक गाँव है जहाँ पर मनरेगा का काम जेसीबी से कराया जा रहा है, इस पे क्या, क्योंकि लगातार यहाँ सिद्धार्थनगर में प्रधान द्वारा मनरेगा काम जो है सुर्खियों में आता रहता है, काम चलता रहता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर आपकी आपकी तरह जो बात बताई गई है अगर सही है, मैं इसके लिए अगर जांच कराते हैं कराने के लिए डीसी मनरेगा साहब को निर्देशित करता हूँ। डीसी मनरेगा की जाँच में अगर ये प्रकरण आता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।